कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय राजनीति में होते तो मोदी उन्हें भी आडवाणी और जसवंत की तरह बाहर निकाल कर देते। उन्होंने कहा कि मोदी केवल कारोबारियों के हितों के चौकीदार हैं। अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी का पूरा जीवन आपराधिक रिकॉर्ड वाला है। वो 18 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा क्राइम करके घर से भागे थे। नरेंद्र मोदी खुद एक बहुत बड़ा क्राइम करके घर से भागे थे 18-20 साल की उम्र में, और पूरा जीवन इनका अपराधी का है। बीजेपी ने केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की उम्मीदवारी खारिज करने की मांग उठाई है। बीजेपी ने कहा कि वर्मा का बयान निंदनीय और निचले स्तर का है। कांग्रेस को वर्मा के बयान पर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्मा की उम्मीदवारी खारिज कराने के लिए पार्टी चुनाव आयोग जाएगी। आम आदमी पार्टी के अमेठी उम्मीदवार कुमार विश्वास का विश्वास बुलंद करने के लिए पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल दूसरे दिन भी अमेठी में रोड शो कर रहे हैं। केजरीवाल का रोड शो आज मुंशीगंज, मुसाफिरखाना, वारिसगंज, जगदीशपुर, इंडस्ट्रियल एरिया, साईगंज चौराहा, रानीगंज और धोई बाजार से होते हुए शाम 5:15 बजे पूरब गांव पहुंचकर खत्म होगा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मिशन 272 के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हैं। आज मोदी 7 रैलियां करेंगे। इनमें से 4 यूपी के एटा, हाथरस और मथुरा में होंगी। बाकी 3 रैलियां महाराष्ट्र के कल्याण, भिवंडी और पालघर में होंगी। मिशन 272 को धार देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी बिहार में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज 3 रैलियां करेंगे। राहुल आज 10:30 बजे आंध्र प्रदेश के रामनाथपुरम के सेतुपति में पहली रैली करेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे महबूबनगर में और शाम 4:30 बजे निजामाबाद के श्यामपल्ली मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई में होने वाली कांग्रेस और एनसीपी की साझा रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं पहुंच सकी। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक सोनिया गांधी की अचानक तबियत बिगड़ गई, इसलिए वो रैली में नहीं पहुंच पाई। लेकिन रैली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी नहीं पहुंचे। शरद की गैर हाजिरी से गठबंधन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज यहाँ कांग्रेस प्रेसिडेंट को आना था, सुबह उनकी तबियत थोड़ी खराब हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, खुशी से मैं यहाँ आ गया। बिहार के कटिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और पार्टी नेता गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गिरिराज के बयान पर कहा कि जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो उनके लिए पाकिस्तानी है। उन्होंने बीजेपी को कट्टरवादी बताते हुए कहा कि कट्टरपंथ इस बार भी नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के सपने को पूरा नहीं होने देगा और इस इलेक्शन में भी उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है कि उनको अपने बलबूते पे बहुमत मिल जाए या 10 पार्टी के सपोर्ट करके मिले या आज तक नहीं मिला, 24 पार्टियों के सपोर्ट करके पिछले बार वो जब वाजपेयी जी थे तब। अब तो स्थिति और इस बार हो गई है कि कट्टरपंथ की वजह से और लोग अलग हो रहे हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर देवघर के मोहनपुर थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। गौरतलब है कि गिरिराज सिंह ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के विरोधियों को पाकिस्तान का समर्थक करार दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को खरी खरी कही। घोटालों की कड़ी में उन्होंने चुटकी लेते हुए रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बगैर जीजाजी घोटाले का जिक्र भी किया। राजनाथ ने लोगों से कहा कि घोटालों की रकम 5.5 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं कोई उन्हें भी बता दे। वाराणसी में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कौमी एकता दल के अफजाल अंसारी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। चुनाव में ना कूदने का फैसला लेने के बाद अफजाल ने कहा कि उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया है। उनका मकसद मोदी को हराना है और वो इसके लिए कैसे प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे जिसके पास धर्मनिरपेक्ष सोच से ज्यादा मतदाता हों।
किसी भी उस कैंडिडेट को, किसी भी उस पार्टी को जिसके पास धर्मनिरपेक्ष सोच के मतदाताओं की अच्छी संख्या होगी उसके पक्ष में समर्थन करें। लक्ष्य एक है, लक्ष्य है मोदी को हराना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज तक से खास बातचीत में कबूल किया है कि चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और इस लहर को अनदेखा करना बेवकूफी होगी। सहयोगी पार्टी कांग्रेस के बारे में उमर ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ जनता में गुस्सा है और उनकी पार्टी ने इस बारे में कांग्रेस को आगाह भी कर दिया है। Deny an effect of Narendra Modi on this election is to live in fool's paradise. Some people actually turned on and told us that look, if it was Azad Saab asking for votes as Chief Minister, we would have voted with our eyes closed. But इस बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। I mean, people told the BJP candidates there कि हमने आपको पहले कभी देखा नहीं है, देखने की इसके बार उम्मीद भी नहीं करते हैं। हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, हमने मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। So, I mean, these are facts. We can't deny it. उमर अब्दुल्ला की ये बात कांग्रेस को चुभ गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया। चतुर्वेदी ने कहा कि उमर श्रीनगर से बाहर निकलते नहीं हैं, उन्हें देश के बारे में जानकारी ही नहीं है, उन्हें श्रीनगर में बैठे बैठे लहर कहाँ दिख गयी। पर उमर अब्दुल्ला जी से मैं केवल इतना ही विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं देश के दूसरे हिस्सों में वो गए भी हैं? चतुर्वेदी साहब, श्रीनगर में बैठकर पूरे देश की हालात पर टिप्पणी करना कितना आसान है। लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टियों का टारगेट नरेंद्र मोदी हैं। इसी कड़ी में आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने भी मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी खुद को गरीब कहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार के लिए उनके पास पैसे कहां से आए। छोटे चौधरी ने आलोचना की हदें पार करते हुए नरेंद्र मोदी की तुलना एक पालतू जानवर से भी की। ये बीजेपी की सरकार बनाने की बात नहीं करता, मोदी की सरकार बनाने की बात करता। मैं लगता कोई बकरा आ गया। मैं उसके अलावा कोई शब्द इसको पसंद नहीं। जिस महंगाई को लेकर केंद्र की सरकार की वजीहत हो रही है उसे रोकने का मंत्र एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपने साथी पार्टी को बताया। मुलायम ने कहा कि महंगाई की वजह फिजूल खर्ची, अयाशी और शौकीनी है। मुलायम ने कहा कि आज कुर्सी पर बैठे लोग अरबपति खरबपति हो रहे हैं। ये लोग महंगी गाड़ी, कपड़ा, खाना खरीद कर गरीबों के लिए महंगाई पैदा कर रहे हैं। मलेशिया से बेंगलुरु आ रहे विमान MH-192 को लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी आने के बाद वापस कुआलालंपुर लौटना पड़ा। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही विमान के दाहिने लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी आ गई। इस विमान में 166 यात्री सवार थे। इस तकनीकी खामी की जानकारी के बाद भारतीय यात्रियों के परिजन परेशान हो गए। फ्लाइट MH-192 कुआलालंपुर में सुरक्षित उतर गई, जिसके बाद भारतीय यात्रियों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। विमान की लैंडिंग रात 11:45 पर बेंगलुरु में होनी थी। दिल्ली के नजफगढ़ में दो अनोखे भैंसे हैं। हीरा और मोती नाम के इन भैंसों की कीमत करीब 2 करोड़ से ज्यादा है। मुर्रा नस्ल की ये भैंसे कई मुकाबलों में दर्जनों बार चैंपियन रह चुके हैं। भैंसों के मालिक के मुताबिक रोजाना की खुराक में इन्हें 10 लीटर से भी ज्यादा दूध, साथ में बादाम और स्पेशल गोंद के लड्डू, मौसमी जूस और दूसरे पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। इनकी कीमत अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा की लग चुकी है। नोएडा में एक तेज रफ्तार डंपर ने देर रात एक आईटन कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीक के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 2 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा सेक्टर 21 और 25 की चौराहे पर हुआ। घटना के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गुड़गांव में दिल्ली के रोहिणी की एक 31 साल की महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने महिला के बच्चे का एडमिशन कराने के बहाने उसे गुड़गांव सिविल लाइन के एक होटल में बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि नशीला पदार्थ खिलाकर महिला का बलात्कार किया गया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी भी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली के सरिता विहार मेट्रो स्टेशन पर एक युवती ने फुट ओवर ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। ये देखकर मौके से गुजर रही 2 लड़कियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती नहीं मानी। इसी बीच मेट्रो स्टेशन के अंदर सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग कर रहे CISF के जवानों ने ये तस्वीरें देखी तो युवती को बचा लिया। दिल्ली में आए दिन मामूली बातों पर वारदात आम हो चली है।
जनकपुरी में आर्मी के एक सूबेदार के बेटे ने कुछ युवकों से मामूली कहासुनी होने पर गोली चला दी। हालांकि ये गोली किसी को लगी नहीं, मामला एक रेस्टोरेंट के बाहर का है। पुलिस ने युवक को पिस्टल सहित हिरासत में ले लिया है। साइबर सिटी गुड़गांव में 21 वर्षीय छात्रा की उसी के परिजनों ने हत्या कर दी। इसके बाद शमशान में ले जाकर दाह संस्कार भी कर दिया। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने छात्रा के माता पिता सहित परिवार के और सदस्यों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने छात्रा की डायरी, उसके बनाए ग्रीटिंग कार्ड्स और शमशान घाट से मिली राख अपने कब्जे में ले ली है। मामला ऑनर किलिंग का बताया जा रहा है। गुड़गांव के डंडाहेड़ा के विशाल मेगा मार्ट में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को 2 घंटे तक भारी मशक्कत करनी पड़ी। आग दूसरी मंजिल पर लगी थी। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ। अमरोहा में समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने एक दलित नाबालिग युवती को जबरन कार में अगवा कर बलात्कार करने की कोशिश की। कोशिश नाकाम होता देख आरोपी लड़की को छोड़कर भाग गए। घटना 14 अप्रैल की है। आरोपियों ने पीड़ित की रिपोर्ट तक दर्ज होने नहीं दी। घटना से आहत पीड़ित युवती के पिता ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। आईपीएल सीजन 6 की स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच पैनल के लिए बीसीसीआई ने नामों का प्रस्ताव तय कर लिया है। इस जांच पैनल में रवि शास्त्री, आर के राघवन और जे एन पटेल के नाम प्रस्तावित किए गए हैं। अब जांच पैनल के ये नाम मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे। आईपीएल 7 में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली डेयर डेविल्स भिड़ेंगे। पहले ही मैच में हार का सामना करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स जीत के लिए खेलेगी। वहीं दिल्ली के कप्तान केविन पीटरसन की फिटनेस पर फोकस रहेगा। रविवार को हुए मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 191 रन बनाए। पंजाब के मिलर ने केवल 19 गेंदों पर 6 छक्के मारकर नाबाद 91 रनों की पारी खेली। पंजाब ने 18.4 ओवर में 3 विकेट पर 193 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली।